सुना, हम इंसान अंधेरे में है। काय का अंधेरा? आज तो दुनिया समझती है कि हम बहुत रोशनी में हैं। इतनी रोशनी हुई है, चांद तक जा सकते हैं, सूर्य सितारों में घूम सकते हैं। आज मनुष्य क्या नहीं कर सका है, तो ये सभी बातों को मनुष्य समझते हैं, बहुत रोशनी आ गई है। और हमारी दुनिया तो बहुत अभी रोशनी की ओर चली जा रही है, परंतु इधर तो गीतों में कहते हैं अंधेरे में है। फिर अगर ऐसी बातें नहीं है तो फिर ऐसे गीतों को तो गवर्नमेंट को बंद करा देना चाहिए। भाई अंधेरा का एक है ना, रोशनी में है बहुत, परंतु नहीं, अंधेरा है किस बात का? जिस चीज के लिए इतनी इतनी खोजनाओं में जाकर करके आज चांद सितारों तक का जाने का मनुष्य अपने में हिम्मत लगाई है, परंतु जो चीज चाहिए लाइफ में वो नहीं पा रहे। तो जो चीज चाहिए जिसके बनाने के लिए और जिस प्राप्ति के लिए इतने इतनी सभी खोजना, इतना इतना सब, वहां समझते हैं मनुष्य को कोई प्राप्ति रहे सुख और शांति की है, लेकिन उसी चीज को खोजते खोजते भले इतने ताकत मनुष्य की ऊंची गई है, लेकिन लाइफ ऊंची नहीं गई है। लाइफ का मतलब जो लाइफ का सुख और शांति है, उसमें तो मनुष्य ऊंचा नहीं गया है। नहीं, लाइफ के सुख शांति की स्टेज और ही दुख शांति की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसे सिद्ध होता है कि जो मनुष्य को चीज चाहिए उसमें नीचे होते जाते हैं, उसकी अंधकार है, बाकी तो बोले क्यों नहीं। और ताकत में मनुष्य क्या नहीं, अभी देखो घर बैठे उधर बात करते हैं, इधर देखते भी हैं टेलीविजन, रेडियो, फलाना फलाना, ये सभी चीजें, भले कितनी भी मनुष्य के ये सभी सुख के या ये सभी बातों से मनुष्य, परंतु फिर भी वो जो लाइफ का सुख और शांति कहें वो तो चीज नहीं रही है ना, तो उसकी अंधकार। इसीलिए कहते हैं आज इंसान सब अंधेरे में। किस अंधेरे में? इस चीज के अंधेरे में। उसकी अभी रोशनी, उसकी अभी इस चीज का पता नहीं लगता है कि वो चीज हमारे लाइफ में जिसमें हम सदा सुखी रहें वो कैसे प्राप्त रहे। भले आज देखो रोगों के लिए कितने इलाज, कितनी सब ये सभी बातें भी कितनी आगे बढ़ती, लेकिन फिर रोग भी तो साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए दुख है, शांति भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसे सिद्ध होता है कि वो जो चीज जिस चीज का लिए हमको लाइफ में चाहिए सुख की, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए कहते हैं उसके हम अंधेरे में, अभी तू आ, जिसको बुलाते हैं कि तू आ उस चीज की रोशनी दे कि हमारे लाइफ में ये जो अंधकार, अंधकार कहो या दुख शांति कहो, तो सुख शांति की अंधकार है कि हमको प्रैक्टिकली सुख शांति कैसे मिले, उन चीज की जो हमारे में अंधकार है वो आकर के हमारी दूर कर। तो देखो उसके लिए तो परमात्मा को पुकारते हैं ना, उसके लिए कोई इंसान को नहीं पुकारते हैं, यहाँ इंसान हा या इंसान इंसान को उस चीज के लिए कुछ देने का नहीं है, तभी तो कहते ना हम सब इंसान, उसमें सब आ गए हा? जो साधु संत महात्मा जो रख बैठे हैं और जिन्हों को ही समझते हैं वो भी हमको पार करेंगे, तो इंसानों में तो सब आ गए ना, तो सभी का आ गए कि हम सब जो भी इंसान है यहाँ सब उस चीज के अंधकार में है। प्रैक्टिकली जो सुख शांति की चीज है लाइफ के लिए वो हमें नहीं मिल पा रही है, अभी तू आ। इसलिए परमात्मा को पुकारते हैं और गाते भी हैं कि अंधे की लाठी तू है, हाँ गाते हैं ना, उसको कहते हैं अंधे की लाठी। हम अंधे किस में है? इस चीज में, ऐसे नहीं ये आंखें नहीं है देखने के लिए, इस पदार्थों को और सभी बातों को देखने के लिए ये आंखें भले हैं, लेकिन वो नेत्र नहीं है जिसको ज्ञान नेत्र कहा जाता है, अंग्रेजी में भी कहा जाता है थर्ड आई ऑफ विजडम। तो वो हमको किस विजडम का अथवा नेत्र नहीं है उसका, इसी नॉलेज का कि हमारे लाइफ में पूर्ण सुख और शांति कैसे आवे, उसका हमें ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान नेत्र, तो अभी ज्ञान नेत्र को यहाँ नेत्र निकल नहीं आएगा,
ये जो चित्रकारों ने चित्रों में बैठ कर करके तीसरा नेत्र यहाँ दिखलाया है कई देवताओं के ऊपर, तो कई समझते हैं शायद तीन आंख वाले कभी मनुष्य थे। अरे तीन आंख वाले कभी मनुष्य होते नहीं है, ये सभी जो चित्रों में भी अलंकार है इन्हीं का भी अर्थ समझना है। कभी तीन आंखें मनुष्य को होती नहीं, भले देवता हो कोई भी हो, मनुष्य ही देवता है और मनुष्य ही असुर है, वो है मनुष्य की क्वालिफिकेशन। बाकी ऐसे नहीं है उसे कोई मनुष्य के शरीर की बनावट जो है वो बदल, देवता होगा तो चार भुजाएं आ जाएंगी या तीन आंखें आ जाएंगी, या असुर है तो उसमें कुछ और बनावट की फर्क पड़ जाएगा, नहीं, मनुष्य डिस्क्वालिफाइड है तो उसको कहा जाएगा असुर। और क्वालिफिकेशंस में जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हैं तो वो क्वालिफिकेशंस की बात है, तभी देवता है। बाकी शरीर की बनावट में नहीं, लेकिन उसके क्वालिफिकेशंस में फर्क जरूर पड़ता है। जिसको पवित्र अपवित्र कहो या गुण के संपन्न कहो या कहो क्या भ्रष्टाचार शिष्टाचार, ये सभी जो तो आचरण के ऊपर है, तो ये सभी चीजें भी समझने की हैं। बाकी कभी मनुष्य को चार भुजाएं या तीन आंखें या ये सभी चीजें होती नहीं। चार भुजा का भी अर्थ है, जो पुराने हैं वो तो समझते हो नहीं, चार भुजा का भी ये अर्थ है। तो ये दो भुजा नारी की, दो भुजा नर की, तो नर नारी जब पवित्र है तो फिर वो दिखलाते नहीं चतुर्भुज का डबल क्राउन किंगडम का सिंबल। तो ऐसी राजाई थी और उस राजाई में सभी नर नारी सुखी थे। तो जब ये पवित्र थे तो संसार ऐसा था, ऐसा संसार में सब सुखी थे, तो वो दिखलाए हुआ चतुर्भुज के रूप में। और वो जो रावण का दिखलाते हैं दशीश, उसका भी अर्थ है, उसका ये मतलब नहीं है कि दशीश के कभी आदमी होते हैं, नहीं आदमी का नहीं है ये, ये भी एक सिंबल समझो विकारों का। जब यह पवित्र प्रवृत्ति है इसमें भी नर नारी के 10 शीश हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, तो मिला करके के 10 सिर रख लिए। तो नर नारी जब यह पवित्र है तो संसार ऐसा दुखी है, और जब नर नारी पवित्र है तो संसार सुखी है। तो वो पवित्र का सिंबल है चतुर्भुज और अपवित्रता का सिंबल है ये रावण। तो ये सभी चीजें समझने की हैं, ये सभी अलंकार, इसको कहा जाता है अलंकार या निशान है किस बात का, इनों का अर्थ है। बाकी ऐसे नहीं है कि मनुष्य कोई 10 शीश वाले या 3 आंख वाले या 4 भुजाएं वाले या 3 सिर वाले, ऐसे ऐसे जो चित्र दिखलाते हैं, मनुष्य की कोई बनावट में फर्क नहीं पड़ता है। हाँ इतना जरूर है जब भी मनुष्य पवित्र है तो नेचुरल हेल्दी है और उसका बनावट फीचर्स नेचुरल ब्यूटी आदि ये सभी इसका फर्क हो सकता है। बाकी ऐसे नहीं है कि उसमें कोई 3 आंखें या कोई 3 सिर या कुछ ऐसी बनावट का नहीं, तो ये भी सभी चीजों को समझना है। तो अभी बाप कहते हैं कि देखो ये थर्ड आई ऑफ विजडम अथवा ज्ञान का नेत्र, अभी उसको पुकारते हैं कि तू आकर के दे, तो ज्ञान का नेत्र दे अर्थात वो समझ दे, नॉलेज दे के अभी हम कैसे सदा सुख शांति प्राप्त करें। हम सब इंसान अभी यहाँ खोजते खोजते थक गए हैं, जितना खोजनाओं में गए हैं इतना और ही दुख है शांति। देखो खोजते तो सुख के लिए है, लेकिन उनसे फिर भी वही चीजें बनती जा रही है जिससे और ही हमारे यहाँ दुख प्राप्त करने की। देखो ये सब बॉम्ब शादी ये सब देखो क्या चीजें, नहीं तो यही साइंस अगर अच्छी तरह से उपयोग में काम में अच्छी तरीके से लगाया जाए तो बहुत इस चीजों से सुख का मिल सकता है। पर तो बुद्धि है ना अभी यहाँ, तो उस बुद्धि से काम ही उल्टा हो रहा है, इसको ही कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अभी जो विनाश का काल है यानी काल कहा जाता है समय को, तो अभी ये टाइम ही विनाश का है, तो उसके द्वारा बुद्धि में से काम ही उल्टा चलता है। तो देखो बुद्धि से काम ही उसे वो निकलता है कि दुनिया का नाश कैसे हो, तो अभी है ही विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत किससे यानी परमात्मा से विपरीत यानी प्रीत नहीं, तो अभी प्रीत नहीं ऐसी बुद्धि हो गई है। तो प्रीत नहीं है तो फिर क्या हुआ, फिर हो गई माया से प्रीत, परमात्मा से प्रीत नहीं है, आए माया से। माया कहा जाता है 5 विकारों को, कहीं बेचारे इसी को भी नहीं समझते हैं माया, कहीं समझते हैं ये शरीर है ना जो भी हम इस आंखों से देखते हैं ये माया है, ये शरीर भी माया है, ये संसार भी माया है, ये धन संपत्ति भी माया है, पर तुम माया इसको नहीं कहेंगे। धन संपत्ति तो देवताओं को भी थी,
शरीर तो देवताओं का भी था और संसार में तो देवताएं भी थे, फिर क्या वो माया थी क्या? नहीं, माया कहा जाता है पांच विकारों को, विकार ही माया है, बाकी कोई शरीर माया नहीं। शरीर में तो देवताएं भी थे परंतु उनके पास माया नहीं थी, धन संपत्ति तो देवताओं को भी थी परंतु माया नहीं थी, माया कहा ही जाता है विकारों को, और माया ही दुख देती है। बाकी धन संपत्ति कोई दुख देने की चीज नहीं है, संपत्ति तो सुख का साधन है ना, परंतु उस संपत्ति को भी इम्प्योर अथवा शरीर को भी इम्प्योर अपवित्र किसने बनाया है? पांच विकारों ने, माया ने। तो माया के कारण, विकारों के कारण हर चीज जो है ना वो अभी दुख का कारण हो गई है। तो अभी धन से भी दुख, शरीर से भी दुख, हर चीज से अभी दुख प्राप्त हो रहा है। इसका कारण ये हो गया कि हर चीज में अभी माया प्रवेश हो गई है, अर्थात पांच विकारों की चीज हो गई है। इसीलिए बाप कहते हैं अभी इस माया को निकालो, पांच विकारों को निकालो, तो फिर तुमको इसी शरीर से ही और फिर तुमको संपत्ति से और संसार से सदा सुख मिलेगा, जैसे देवताओं का था। देखो संसार में भी थे और शरीर भी था, संपत्ति भी थी, सब था, लेकिन एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, तो देखो सुखी थे ना। तो ये सुख तभी उनके पास था जब उनके पास माया नहीं थी, यानी ये रावण नहीं था, पांच विकारों का ये नहीं था, तो इसको नाश करने का है। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि इस माया को नाश करो। तो माया माना ऐसे नहीं शरीर से ही निकल जाने का है या संसार से ही, हम संसार में ही नहीं आवे, ऐसे ऐसे कहीं समझते ये संसार माया है, इसीलिए कई शास्त्रों में भी लगा रखा है कि ये जगत मिथ्या है। और तू जगत मिथ्या नहीं, जगत तो अनादि है, इसको कौन कहेगा मिथ्या, जगत तो है ही, परंतु हाँ इसको मिथ्या बनाया गया है, विकारों के कारण मनुष्य दुखी हुए हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि जगत जो है वो है ही नहीं, जगत तो अनादि है ना। तो ये सभी चीजें तो हमको कोई जगत से या संसार से निकल जाने की बात नहीं है, लेकिन संसार को पवित्र बनाने की बात, पवित्र भी संसार था, यही तो देवताओं का जो है निशान, ये पवित्र संसार के मनुष्य थे ना, देवता है कोई और चीज हो रही है, यहाँ देवताओं की दुनिया कोई ऊपर हो रही है, हा? यही दुनिया, हम मनुष्य ही देवता थे और हम मनुष्यों का ही संसार, स्वर्ग कहो हेवन कहो, यही संसार था जिसमें हम मनुष्य ही स्वर्गवासी थे, यानी वो टाइम स्वर्ग का था और हमारा जनरेशन स्वर्ग में चलते थे। तो ये सभी चीजों को भी समझने का है, इसीलिए अभी माया को हाँ मिटाना है अथवा नाश करना है तो उसका मतलब है पांच विकारों, तो अभी माया को नाश करना अथवा माया को जीतना तो उसका मतलब है विकारों को जीतना। तो माया कही जाती है विकार, अभी विकारों के कारण ये सब चीजें हमको अभी दुख देती है, क्योंकि ये धन भी अभी विकारी कर्म के हिसाब से होने के कारण उससे भी दुख होता है, शरीर भी विकारी खाते का होने के कारण उसमें रोग अकाले मृत्यु ये सभी चीजों से दुख मिलता है। नहीं तो हमारा शरीर में भी यहाँ कभी रोग नहीं था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था, क्यों नहीं होता था, क्यों कि निर्विकार के बल से बना हुआ था, अभी विकारों के उसे बना हुआ है, इसीलिए उसमें से दुख मिलेगा। तो हर चीज अभी विकारों के संग से बनी हुई होने के कारण हर चीज से दुख मिलता है, तो अभी संसारी विकारों के संबंध का हो गया ना, इसीलिए सबसे दुख, तो इसको कहा जाता है माया के कारण ही अभी सब दुख, अभी इसको निकालो। तो ये अभी कैसे निकले फिर हमारा संसार सुखी बने, इसके लिए देखो उसको बुलाती हूँ। अभी हम इंसान तो इस बातों को सब खोज के सुख शांति को ढूंढते ढूंढते जितना ढूंढते जाते हैं उतना और ही उससे दुख, क्योंकि हमारी तो अभी है ही नीचे की स्टेज जाने में ना, इसीलिए देखो उस बुद्धि से काम ही उल्टे चलते हैं। तो इसीलिए बाप कहते हैं अभी देखो तेरी बुद्धि उसी सत्य बात को अभी पा नहीं सकती है, उसके बुद्धि में आएगा नहीं, क्योंकि तेरी तो बुद्धि अभी तमो प्रधान हो चुकी है ना, इसीलिए अभी मैं जब आता हूँ तभी आकर करके फिर तुमको राइट बात समझाता हूँ और वो ज्ञान का नेत्र मैं देता हूँ। ज्ञान का नेत्र माना ही समझ, वो समझ तो बुद्धि में धारण करेंगे ना, बाकी यहाँ तो कुछ नहीं बनेगा नहीं, बुद्धि में धारण। तो अभी देखो ये समझ मिल रही है, अभी अपने को ये क्या मिला है ज्ञान नेत्र, तो अभी है नहीं नेत्र है, तीसरा नेत्र है हाँ। तो अभी देखो हम ये थर्ड आई ऑफ विजडम पा रहे हैं, तो भाई ज्ञान का नेत्र अभी हमारे पास है, देवताओं के पास ना अभी हमारे, हम माना हम ब्राह्मण, ब्राह्मण हो ना हाँ? देखो अभी शूद्र थे,
शूद्र माना विकारी, अभी विकारी से पवित्रता के ऊपर अपना पांव रखा है, तो अभी मानो हो गए ब्राह्मण, अभी पवित्रता को अपनाया है ना, तो अभी हो गए ब्राह्मण। तो अभी देखो ब्राह्मणों को तीसरी आंख है, और देवता है तो फिर प्रालबद्ध है ना, वो तो फिर हम जब जाकर के फ्यूचर में वो कंप्लीट प्रालबद्ध पाएंगे, तो देवताओं को फिर ज्ञान नेत्र की जरूरत नहीं है, ज्ञान नेत्र से तो देवता बने ना। अभी जो ज्ञान मिल रहा है उससे हम क्या बनेंगे, देवता, मनुष्य से देवता बनेंगे। तो हमको देवताओं को तीसरा नेत्र होना चाहिए, या अभी जो हम ज्ञान ले रहे हैं हमारे को, तो हम मनुष्य हो गए ना हम, तो अभी हम ब्राह्मण कहलाएंगे। मनुष्य पहले शूद्र थे, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण हुए हैं, यानी हम परमात्मा की मुख वंशावली, जो परमात्मा ब्रह्मातन द्वारा बैठ कर करके ये मुख से नॉलेज दे रहा है, उस नॉलेज से हम पैदा हुए हैं, तो उसको कहा जाता है मुख वंशावली। तो अभी देखो ऐसे नहीं मुख से आदमी निकल आएंगे, आगे ऐसे समझते थे मुख वंशावली का मतलब शायद मुख से ऐसे आदमी निकले थे, पर तो नहीं, मुख से हम अभी देखो मुख द्वारा जो नॉलेज मिल रहा है उससे ये प्यूरिफाइड बन रहे हैं। तो अभी हमारा ये नया जन्म हो गया ना, अभी हुआ है ना आपका नया जन्म, तो अभी क्या शूद्र से अभी ब्राह्मण हुए हैं। तो मानो अभी ब्राह्मण ये नया जन्म हो गया हमारा परमात्मा द्वारा, ये मुख वंशावली जो नॉलेज सुनाया उससे हम प्यूरिफाइड बने हैं, फिर जाकर करके देवता बनेंगे। तो अभी तीसरा नेत्र किसको होना चाहिए, ब्राह्मणों को, अभी क्योंकि ज्ञान अभी की बात है ना, पीछे तो ज्ञान की बात ही नहीं रहेगी, तो ब्राह्मणों को ही तीसरा नेत्र। और ये सभी जो भी अलंकार हैं, ये देखो दिया ना विष्णु को, संघ चक्र गदा पदम, ये सभी अलंकार है, ऐसे नहीं है कोई इनका अर्थ है। शंख माना ये ज्ञान का शंख, ये जो सुन रहे हो ना भाई, शंख ऐसा नहीं बजाए, ये ज्ञान का, तो इसको शंख भी कह सकते हैं, और तो भक्ति मार्ग में उन्होंने ये चीजें रख दी हैं। और गदा वो भी है, ये वो पांच विकारों के ऊपर हमने एकदम लगाई है उसको, उसके ऊपर अपना लगाती है जोर, और वो चक्कर भी है, तो ये चक्कर भी है, यही गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन एज है, ये चार युगों का, कैसे हम पहले 100 देवताएं थे, फिर कैसे फिर नीचे आए, अभी नीचे आकर के अभी फिर बाप आया ऊंचा उठाने, ये सारा चक्कर जो हमने अभी अपना चक्कर पूरा किया है, तो वही है स्व दर्शन चक्कर, यानी स्व को अभी दर्शन अर्थात साक्षात्कार हुआ है, नॉलेज हुआ है कि हमारा सेल्फ का ये चक्कर कैसे चलता है, तो आत्मा को सेल्फ का यानी स्व का अभी सारे चक्कर का पता चला है, अभी पता है ना, तो स्वदर्शन चक्कर फिरता है बुद्धि में, हाँ चलता रहता है, हाँ खरा तो नहीं है ना, हाँ चलता रहता है, यानी स्व माना सेल्फ, तो सेल्फ को अभी सारा नॉलेज हुआ है कि ये हमारा चक्कर, हम सो देवता थे, अभी देखो क्या हो गए हैं, अभी फिर देवता बनते हैं, तो ये है सारा चक्कर, गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन एज, इसमें हमारे ये अनेक जन्मों का ये चक्कर चला, अभी चक्कर पूरा होकर के फिर सो देवता, समझा, तो ये है स्वदर्शन चक्कर। इसी को जितना जितना याद रखेंगे, हम सो थे अभी फिर नीचे आए हैं, अभी फिर ऊंचा जाना है, तो जितना ये बुद्धि को फिराते रहेंगे तो हाँ उससे तुम्हारे विकार जो है ना वो कटते, वो कहते स्वदर्शन चक्कर से वो घुमाते थे तो फिर हाँ दुश्मनों का सिर कटते थे, पर तो दुश्मन कौन, ये विकार। तो जितना ये स्वदर्शन यानी सेल्फ को उसी स्टेज में रखेंगे कि आई एम हाँ असल में पवित्र सोल, पीछे प्योर हुए हैं, अभी फिर हमको अपने पवित्र स्टेज पर जाना है, तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, फिर हम देवता थे, तो जितना ये चीज बुद्धि में घूमती रहेंगी यानी स्वदर्शन चक्कर, तो इतना आप तुम्हारे विकार जो है ना वो नाश होते जाएंगे। तो अर्थ असल ये है, पर दोनों ने बैठ कर करके वो एक उसको अस्त्र शस्त्र के रूप में ले गए हैं, वो कहते घुमाते थे या कोई दुश्मन के पास भेजते थे तो उसका गला काट के आता था, ऐसे शास्त्रों में कुछ, पर तो ऐसे नहीं, दुश्मन ये ही विकार, तो इसी नॉलेज के आधार से हमारे विकार नाश होते हैं। तो स्वदर्शन चक्र का भी ये अर्थ है, शंख का भी यही है, और वो गदा का भी रखा है पांच विकारों के ऊपर, हाँ, और वो जो पदम दिया फूल दिया है ना, ये भी है प्रवृत्ति का, कि कमल फूल समान, वो जो कमल का फूल होता है ना वो पानी में होते भी पानी का स्पर्श उसके ऊपर नहीं लगता है, तो मिसाल दिया जाता है कि जैसे भी यहाँ गर्गृहस्थ में रहते प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान, यानी उसमें कोई यहाँ उनका
लेपछेप में नहीं और उसमें अपने को पवित्र रखते थे। तो ये है अपना आदर्श कि हमारे लाइफ का आदर्श क्या था और कैसी हमारी प्रवृत्ति का आदर्श ऊंचा था, ये सभी इनका है। तो लेकिन वो भी सब बाकी देवताओं को ये शंख चक्र गदा ये लेकर के कोई घूमते थे, ज्ञानों के हाथ में थे नहीं, ये सभी चित्रकारों ने बैठ करके वो कैसे दिखलावे कि भाई इनों के ज्ञान था या इनों की माया के ऊपर जीत थी, ये सब कैसे दिखलावे। तो चित्रों में बैठ करके वो निशान रखे। बाकी ऐसे नहीं है कि ऐसे कोई देवताएं चार भुजाए वाले थे और वो लेकर के घूमते फिरते रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये सभी चीजें समझने की है कि नहीं, देवता भी मनुष्य थे दो बाहें वाले, इसीलिए जो अपना करेक्ट चित्र भी बनाए ना दो बाहें दी हैं। देखो नहीं तो श्री नारायण श्री लक्ष्मी को बहुत मंदिरों में वो देते हैं चार भुजाएं, लेकिन इनको दोनों को मिलाएंगे ना, लक्ष्मी को पीछे कर दो तो उसकी दो बाहें दिखाई पड़ेंगी। आपको दिखाया होगा कभी, आप देखे चतुर्भुज का, हाँ दिखाए आपको, चलो आओ आओ देखो अभी हम दिखाते हैं चतुर्भुज का कैसा फोटो निकाला है। उठो दोनों, एक लंबी आगे रहे छोटी पीछे रहे, हाँ इधर आ, हाँ देखो ये चतुर्भुज, हाँ ये देखा दो भुजाएं लक्ष्मी की, हाँ अच्छी तरह से, हाँ ये दो भुजा लक्ष्मी की और दो भुजा नारायण की, इसको शंख चक्र गदा पद्म दे दो तो आप लोग फोटो निकालेंगे तो दिखा। अभी लक्ष्मी तुम आगे जा, आगे फिर वो लक्ष्मी चतुर्भुज दिखलाएंगे तो ना ये तो लंबी है पीछे नीचे हो जाएंगी और फिर हाँ तो फिर लक्ष्मी चतुर्भुज हो जाएंगी, वो नारायण चतुर्भुज और लक्ष्मी चतुर्भुज, ये ऐसा फोटो निकला है वो दिखलाए ना चतुर्भुज का। तो असल में है कि लक्ष्मी चतुर्भुज नारायण चतुर्भुज का चित्रकारों ने फोटो, ताकि ऐसे नहीं चार भुजाएं के कोई मनुष्य है ये कंबाइंड लक्ष्मी और नारायण का फोटो निकला हुआ, तो इसका अर्थ है। तो ये सभी चीजें समझने की है, इसीलिए परंतु ऐसे कंबाइंड पवित्र नर नारी कैसे बने, किस धारणाओं से, वो धारणाएं के बैठ करके ये अलंकार चित्रों में दिखलाए, भाई शंख चक्र गदा पदम जिन्होंने धारण किया वो वही ऐसे बने थे। तो अभी धारण किया है ना शंख चक्र गदा, है ना शंख, हाँ शंख का मतलब है जो ये सुनाए नाले, हाँ फिर सुनाना है बजाना भी है, ऐसे नहीं शंख नहीं बजाना है, फिर दूसरे को भी तो बनाना है ना। तो देखो ये हम क्या कर रहे हैं, जो धारणा की है वो दूसरों को भी सुनाती, ऐसे हर एक को करना है, तो हर एक को शंख चक्र गदा पदम धारी बनना है, तो बनना भी है ब्राह्मणों को, अभी से बनेंगे फिर तो देवता बनेंगे, जो करेंगे तो पाएंगे। तो ये सभी चीजें समझने के किसका प्रैक्टिकल ये सब अर्थ क्या है। अच्छा अभी टाइम हुआ है, आप लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ हम तो बैठे हैं, हमारे को हरज नहीं है, लेकिन जाने वाले तो आप कहाँ कहाँ होंगे, तो इसीलिए आप लोगों को टाइम पर छोड़ते हैं। अच्छा 2 मिनट साइलेंस।